हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हो, आप लोग बताइएगा। तो मेरा चाय बनना है और चाय भी बन गया मेरा, और फिर मैं किचन में करने लगी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो ये नमकीन भी लेके आए थे, तो ये भी मुझे भर के रखना है, तो वही है, ज़्यादा लेके आ गई। तो एक पैकेट तो आ गया डिब्बे में, दूसरा वाला बचा है तो इसको थोड़ा बाद में रखूँगी। तो इधर मैं करने लगी अब खाने की तैयारी। तो इधर मैं बना रही हूँ आज, अभी तो प्याज को छील रही हूँ, अभी बनाऊँगी, अभी बना नहीं रही। तो इधर आज मैं बनाऊँगी पनीर। तो मैं पनीर का देख रही थी क्या कैसे बनाऊँ, लेकिन वही है, मुझे सबसे ज़्यादा कढ़ाई पनीर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सोच रही थी मैं कढ़ाई पनीर ही बना लेती हूँ। तो इधर मैंने सब्ज़ी वगैरह भी काट लिया है, मतलब मिर्ची वगैरह और प्याज वगैरह भी, और फिर जो ये पनीर लेके आए थे तो इसके भी ऐसे पीस कर लेती हूँ। तो ज़्यादा मोटे वाले पीस नहीं किए मैंने, मीडियम साइज के ही किए हैं। कभी कभी मैं पनीर बिना ऐसे तले भी डाल देती हूँ सब्ज़ी में, लेकिन आज थोड़ा तल लिया मैंने, क्योंकि एकदम टाइट टाइट सा हो रहा था, तो मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था, क्योंकि थोड़ा तलने के बाद थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने अभी तो पनीर ही तला है, और वैसे कच्चा भी डालते हैं ना तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मैं डाल रही हूँ तल के। तो मैंने लगभग मेरा पनीर तल ही गया, अब बस इसको निकाल लूँगी, और जो भी मतलब टमाटर प्याज मैंने पीस के रखे हैं, फिर दोबारा से ऑयल करके और फिर से भूनूंगी मसाले को। ऑयल थोड़ा मैं कम ही करती हूँ पहले इस पनीर को भूनने में, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑयल तो जाता ही है पनीर में जब निकालो जब बर्तन में, तो इस वजह से कम ही ऑयल डालती हूँ, फिर कम दिखता है तो फिर दोबारा से डाल लेती हूँ। तो इधर मेरा पनीर भी भुन गया। और कुछ भी बनाओ और किचन की हालत कैसी हो जाती है, बिल्कुल भी जगह नहीं बचता है और कुछ भी सामान रखने का। तो देखिए किचन भी पूरा भर गया है मेरा, तो इसको भी थोड़ा बाद में ही साफ़ करूँगी सिलफ को। तब तक अभी मैं लहसुन वगैरह निकाल लेती हूँ और वो डालने के लिए, तो इतना सारा मतलब छिलका भी बहुत ज़्यादा निकला, और धनिया भी मैंने कल ऐसे ही रख दिया था पॉलीथिन में, साफ़ नहीं किया था, तो अभी मुझे ये भी साफ़ करना है। और धनिया मिर्ची है तो मतलब धनिया मिर्ची तो यहाँ पर ऐसे ही आ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, मिर्ची तो इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा। अभी तो धनिया भी सही आ रहा है, तो एकदम हरा हरा धनिया लेके आए हैं, तो इसको भी साफ़ करके रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो, एक दो दिन तो चलेगा। तो इसके जो पीछे वाला होता है उसको निकाल के ऐसे रख दूँगी पॉलीथिन में, वैसे पॉलीथिन में सूखता नहीं है, मैं तो ऐसे ही पॉलीथिन में रखती हूँ, तो दो तीन दिन तो आराम से ही चल जाता है। तो उसको अच्छे से जो भी मतलब ख़राब होता है तो मैं उसको ऐसे अच्छे से साफ़ करके तब रखती हूँ। तो वही मैं देख रही थी इसमें से मतलब कैसे क्या साफ़ करना है, वैसे ज़्यादा उसमें से ख़राब नहीं निकला धनिए में, पत्ते वगैरह एकदम ताज़ी ताज़ी सा धनिया था। और इधर मेरे जो शिमला मिर्च और प्याज मैंने काट के रखे थे ना, वो भी भुन गए, तो उनको भी निकाल लेती हूँ। और बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा तब तक सब्ज़ी ही बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जगने के बाद फिर तो बच्चों में ही बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, उनको संभालो पकड़ो, फिर बच्चे उतरते भी नहीं हैं गोदी से। तो इधर बाबू तो जग गया, और लेकिन नमन का नींद नहीं खुल रहा है, वो नहीं जगता है। तो इधर नमन भी अभी तो अंगड़ाइयाँ लेने में लगा हुआ है, और बाबू जग जाता है तो फिर वो भी बोलता है ऊँ ऊँ करके, ऐसे बोलेगा कि इसको भी जगाओ। तो फिर मैं बोल रही थी नमन से जग जाओ, लेकिन नमन का अभी जगने का नाम ही नहीं है, और बाबू तो जग के बैठ गया, और बाबू को तो जगने के बाद बस थोड़ा सा रोना है तब खेलना है उसको। तो इधर सब्जी भी लगभग बनने पर आ गया, तो इसको भी निकाल लूँगी, और बाबू भी मेरे साथ ही किचन में आ गया, क्योंकि बाबू के जगने के बाद फिर मेरा काम थोड़ा डिले ही हो जाता है, क्योंकि वो मुझे कुछ फिर करने नहीं देता है, इस वजह से वो सोता है मॉर्निंग में, तभी मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ उसके जगने से पहले, ताकि सारे काम अच्छे से हो जाएं। और मतलब बाबू के जगने के बाद फिर उसका वही रहता है कि थोड़ी देर गोद में रहेगा, फिर रोता रहेगा, फिर उसका मन करेगा तब खेलेगा, तो बच्चों के साथ तो बस यही होता रहता है।
तो इधर मेरा सब्जी भी लगभग बन ही गया, तो इसको भी मैं अभी बर्तन में निकाल के रख दूंगी, क्योंकि सब्जी बन जाता है तो आधा काम तो ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि सब्जी का वैसे भी डेली सोचना पड़ता है क्या बनाएं। तो वही है, मेरा सब्जी तो बन गया, अब मैं इसको निकाल के रख दूंगी और एकदम अच्छा भी बना है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो इधर मैंने इसको निकाल के रख दिया इस बर्तन में, अभी खाना खाएंगे तब बच्चों को दूंगी। तो नमन को तो पनीर वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इधर मैंने दोनों बच्चों के लिए लगा दी है प्लेट खाने के लिए। तो इधर नमन तो खाने में लगा हुआ है और बाबू बस उसका मुंह देखने में लगा है। कभी कभी उसका मन होता है तो खुद से ही खा लेता है और कभी कभी खाता ही नहीं है। तो मैं अब उसको बाबू को खिलाऊंगी खाना, और बाबू को भी आदत पड़ गया फ़ोन का, फ़ोन देख के ही खाना खाएगा वो भी, और ऐसे नमन खाता है फ़ोन देख के, फिर उसको भी आदत पड़ गया है तो फ़ोन देख के ही खाएगा, थोड़ा बहुत ही खाएगा लेकिन खा लेता है। दोनों भाइयों में बस हूट रहता है, जैसे नमन करेगा वैसे वो भी करता है। तो बच्चों के साथ तो वैसे भी पता भी नहीं चलता है टाइम का, मेरा तो ऐसे ही बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है। तो अब मैं बच्चों को खाना खिलाने के बाद और फिर दोबारा से लगाने लगी झाड़ू, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, फिर हम लोग भी खाना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। तो एक बार खाना खाने मतलब पहले मॉर्निंग में ही मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और फिर खाना खाने के बाद लगाती हूँ, और फिर शाम में लगाती हूँ, कम से कम 3 या 4 बार तो मेरा झाड़ू लग ही जाता है। तो इधर दोनों बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है और दोनों बच्चे थोड़ी देर खेल रहे हैं, जो भी मेरे किचन के काम बचे हैं तो मैं उनको कर लेती हूँ। और बर्तन वगैरह मैंने सारे साफ़ कर लिए और किचन को भी साफ़ कर दिया, झाड़ू भी लगा दिया इधर, और बाबू अभी थोड़ी देर खेलेगा, तब तक के जो भी एक्स्ट्रा मेरे काम होंगे उनको भी कर लूँगी, क्योंकि बच्चों का पेट भर जाता है तो वो थोड़ी देर खेल ही लेते हैं अच्छे से, और भूखे रहते हैं तो एकदम रोते ही रहते हैं। तो इधर बाबू को गाड़ी पर मज़ा आ रहा है खेलने में, तो वो गाड़ी के ऊपर ऐसे बैठ गया है और खेलने में लगा हुआ है, और इधर दोनों भाइयों का चलता रहता है ऐसे ही मस्ती। और बाबू को देखिए कितने आराम से गाड़ी पर बैठा है, और लग भी बहुत अच्छा लग रहा है, कितने आराम से कितना सीधा बच्चा है। तो बाबू इधर आराम से अपनी गाड़ी के साथ एंजॉय कर रहा है, और नमन कैमरे के सामने कर रहा है शरारत, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती हूँ तो वो बस कैमरे के सामने लग ही जाता है, तो उसका चल रहा है शरारत। और इधर जो मेरा सूट मैंने सिला था तो इस पर ना मैंने ऐसे तुरफन नहीं किया था, तो मैंने आज इसका तुरफन भी किया है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता, बच्चों से कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो आज मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम था तो सोचा आज ही कर लेती हूँ। तो मैं जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम रहते हैं, मतलब हम महिलाओं के वो तो निकलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, तो मतलब बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। और मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।